एहसान फरामोशी पे शर्मिंदा हूँ, अपने एहसान फरामोशी पे शर्मिंदा हूँ, सच कहूँ तेरे एहसान की वजह से जिंदा हूँ। तो दोस्तों, स्वामी जी चैनल पर मैं सतीश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप बहुत ही जबरदस्त सीख रहे हैं मन संचालन और 26 जनवरी में किस तरह से हम लोग बोले, और इस माध्यम से आप एक बहुत ही जबरदस्त एंकर बनने जा रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं आपके अचीवमेंट के लिए, और आप इसी तरह से स्वामी जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नियमित रूप से वीडियो देखिए। निरंतर अभ्यास 26 जनवरी ही नहीं, ये वीडियो निरंतर चलेगी। लगभग आपके लिए ये 300-400 वीडियो आएगी, जो आपको वेडिंग एंकर, जो आपको बर्थडे एंकर, जो आपको हर तरह का एंकर, हर तरह का जो है मन संचालक आपको बनाएगी, एक जबरदस्त वक्ता बनाएगी। किस तरह से तैयार करें अपने भाषण को, 26 जनवरी का भाषण कैसे तैयार करें, चाहे वो 15 अगस्त है, आज ये बात आप सुन लीजिए। किसी भी कार्यक्रम फंक्शन के लिए भाषण कैसे तैयार करें, उसके लिए की तकनीक है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि अपनी एहसान फरामोशी पे शर्मिंदा हूँ, सच कहूं तेरे एहसान की वजह से जिंदा हूं। अब ये एहसान किसका है, ये हमारे देशभक्तों का है। हम लोग एहसान को भूल गए, मेरी एहसान फरामोशी, मैं बिल्कुल जो है उस एहसान को, ग्रेटफुलनेस मेरे अंदर से खत्म हुई, थैंकफुलनेस, और मैं भूल गया उस चीज को, लेकिन उसका एहसान था। तो आज मैं 15 अगस्त की बात करूं, हमारा देश आजाद हुआ, इसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान, ये समानता का अधिकार, ये स्वतंत्रता का अधिकार उन्हीं देशभक्तों की वजह से हम लोगों को मिला है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं, आप अपने भाषण को तैयार कैसे करें। देखिए दोस्तों, आपको कई लोगों को कॉपी पेस्ट करने की रहती है कि मैं नकल करूं, मैं आपको कभी भी ये चीज नहीं सिखाऊंगा, कभी भी आपको नकल करना नहीं सिखाऊंगा। देखिए, वो हो सकता है मैं आपको कॉपीराइट दूं, जब आपको जरूरत रहे, वो मेरा अलग प्रोफेशन रहेगा, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप अपने आप से सीखो, अपने आप से। पहली बात, भाषण कैसे, आप जो मैंने वीडियो डाली है, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे YouTube के ऊपर, आप उन वीडियोस के अंदर से अच्छे अच्छे डायलॉग लीजिए। उन डायलॉग के अंदर आप एक चीज को ध्यान रखिए, आप एक चीज भूल जाते हैं कि उसका जो डायलॉग डिलीवर करने का ढंग होता है वक्ता का, बहुत जबरदस्त होता है, ये गौर करना। देखिए, ऐसा नहीं होता कि उसके शब्दों में जान होती है, शब्द उसके साधारण होते हैं, लेकिन उसका डायलॉग डिलीवर करने का ढंग जो होता है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखिए, आपने मेरे जो भाषण है या मेरी जो मन संचालक की टेक्निक्स है, शब्द तो आपने ले लिए, अब शायरी भी मुश्किल नहीं, आपने तैयार कर ली, लेकिन आपको डायलॉग के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। 2 दिन आपके लिए ओनली 2 डेज है, आप अपने आप को इतना जबरदस्त मैं कह रहा हूं, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, बंद कमरे में या बच्चों के सामने, आईने के सामने खड़े होकर जबरदस्त भारत की स्वाधीनता और भारत की आन बान और शान और भारत के उस तिरंगे की मुझे एक कहेंगे कि मैं उसके सामने एक वादा करता हूं कि मेरे देश की आजादी को मैं संभाल कर रखूंगा। इस तरह से आप कोशिश कीजिए। हमारे देशभक्तों के लिए हमने क्या प्रण लिया, आज हम लोग प्रण लें कि किस तरह से हम लोग अपने देश के अंदर व्यवस्था बनाएं, अपने जातिगत दंगे भाषावाद को किस तरह से खत्म करें। और एक जो बेस्ट जो भाषण देना चाहते हैं, जो जबरदस्त, जो बड़ा भाषण मैन की कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट, चाहे वो स्टूडेंट है, देखिए भाषण किस कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट टीचर से जबरदस्त हो, एक विद्यार्थी हो सकता है कि टीचर को भी मात दे दे, वो उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। देखिए, आप उसमें से करंट कोई भी, अभी जो हमारे देश के अंदर समस्या चल रही है, जैसे भाषावाद की बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे देश में, जात पात की है हमारे देश में, जो जातिगत समस्याएं हैं, इस तरह से नक्सलवाद की बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे देश में, जाति, ये जो राजनीतिक स्तर के ऊपर जो गुटबाजी है, कहीं ना कहीं ये हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक नुकसान कर रही है। देखिए, मैं राजनीति और उन चीजों से ऊपर उठकर बोल रहा हूं, आप इसके अंदर नए कंटेंट ऐड कीजिए। हाँ, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी को अपने पर्टिकुलर आपने फोकस नहीं कर देना है स्टेज के ऊपर, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर आप किसी भी पार्टी के हैं, आप अगर राजनीतिक लोग हैं, आपने वहां पे पर्टिकुलर किसी को एक तरह से नहीं, ऐसे मान लो उसके ऊपर फोकस ना हो जाए आपका, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आज देखिए, क्षेत्रवाद की दिक्कत है, मध्य प्रदेश की बात करें, जैसे कुछ लोगों को वहां से दूसरे स्टेट्स के लोगों को निकाला गया, उस तरह की दिक्कत, आप इमोशन से, भावनाओं से, ये हमारे देश की, ये वो शहीद छोड़ के गए थे, ऐसा हिंदुस्तान उन शहीदों ने ऐसे कल्पना की थी, अगर वो आज ऊपर आसमान से कहें या स्वर्ग से कहें, आप जिस तरह से परमात्मा को जिस रूप में मानते हैं, अगर आज उनकी रूहें देख रही हैं, अगर उनकी आत्माएं देख रही हैं, उनकी सोल देख रही हैं कि ऐसे हिंदुस्तान की
की हमने कल्पना नहीं की थी, जिस हिंदुस्तान को हमने आजादी के लिए कुर्बानी दे दी। हम भूल गए इस बात को कि हमारे परिवार थे, कहते कि थे अनजान पर इरादे उनके बड़े बहुत थे, डरे नहीं बेशक दुश्मनों के, दंड कड़े बहुत थे। कितने कड़े उनके दंड थे, फांसी दे दी, इतने उनके साथ जो है जुल्म किए गए। कहते कि थे अनजान पर इरादे उनके बड़े बहुत थे, डरे नहीं बेशक का दुश्मनों के दंड कड़े बहुत थे। तिरंगा उठाकर वतन परस्ती का दावा करने वालों, दे दी परिवार तक की कुर्बानियां, ऐसे वीर जुल्म से लड़े बहुत थे। ये चीज आपने ध्यान करनी है कि ऐसे वीर जुल्म से लड़े बहुत थे, और हम लोगों ने ये इस हिंदुस्तान की कल्पना की है। आपका स्पीच जो है, अगर आप रटा लगाते हैं, आप रटिए मत, मैं प्लीज आपको ये बात कह रहा हूँ, रटिए मत, कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो एक बार रट लीजिए, मैं आपको ये भी कहूंगा, लेकिन उसके अंदर अपने डायलॉग डिलीवर करने का ढंग देखिए, डायलॉग किस तरह से डिलीवर करते हैं हिंदुस्तान के लिए। मैं आज हिंदुस्तान की आन बान और शान इस तिरंगे को सलाम करता हूँ, आओ झुककर सलाम करें, आह्वान करें। इस तरह से आप हाथ ऊंचे करके अपने एक्सप्रेशन को बनाइए, आप 2 दिन में तैयारी कर सकते हैं, मैं आपको कहता हूँ। वैसे 2 दिन में आपकी तैयारी हो सकती है, अपने आप के ऊपर फेथ करो, विश्वास करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं एक बात फिर से कहूंगा, डायलॉग डिलीवर करने का बीच बीच में से कंटेंट लीजिए, किसी भी एक बार नकल ले लीजिए किसी की थोड़ी बहुत, या आप अपने आप करंट की जो समस्या है हमारे देश की वो देखिए, करंट के अंदर हमारे देश में क्या क्रांति आई है उसको देखिए, और उसके साथ भावनाओं को जोड़कर भाषण तैयार कीजिए। रिटर्न के लिए कॉपी पेन लेके, डायरी पेन लेके, नोटबुक लेके बैठिए, लिखने की शुरुआत कीजिए। आप कोशिश नहीं करते, कोशिश कीजिए। कहते ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी हार नहीं होगी, एक बार आप बैठिए बस लिखने के लिए, उसके बाद आप डायलॉग डिलीवर करने का ढंग और ये अपने जो बात कहने का वाणी में चमत्कार पैदा कीजिए। स्वामी जी चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से नियमित वीडियो देखिए, 26 जनवरी के बाद भी एक वीडियो का एक मंच पर किस तरह से बोले, किस तरह से आप जबरदस्त एक एंकर बने, ऐसे एंकर जो मैं कहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर सकता है। देखिए मैं नहीं हूं अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि हम लोग मिलकर चलेंगे, मिलकर उस अचीवमेंट को, उस उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। तो ऐसी वीडियो आपको स्वामी जी चैनल पर 26 जनवरी के तुरंत बाद, ऐसा तूफान आने वाला उन वीडियोस का, और आप भी एक तूफान खड़ा कर देंगे अपने इसी वादे के साथ, इसी जोश के साथ। स्वामी जी चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, नियमित रूप से वीडियो देखिए, निरंतर अभ्यास कीजिए। मैं आपका हार्टली धन्यवाद करता हूँ। गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामना।